तो हे ब्रो, कैसे हो यार तुम लोग। तो आज हम एक नया गेम सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाउनलेड, और ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम होने वाला तो है। बात करूं मैं इस गेम के बारे में, तो बेसिकली हमें इस गेम में यार सर्वाइव करना होगा। अलग अलग क्रिएचर से पंगे लेने पड़ेंगे, उससे लड़ाई करना पड़ेगा, और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ कुछ चीज़ें को क्राफ्ट करना है और अपना बेस क्रिएट करना है। यानी कुल मिला के बात करूं तो मैं इस गेम में हमें सर्वाइव करना होगा, और वो भी अच्छी तरीके से। तो आज हम इस गेम को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम देखते हैं आगे कैसा होने वाला है। तो फिलहाल अपना गेम को मैं स्टार्ट कर चुका हूं, और यहां पे मुझे कैरेक्टर कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसे पूरा करते हैं और देखते हैं आगे कैसा होता है। यहां पे मुझे स्किन का ऑप्शन दिया गया, तो ये तो बहुत काला लग रहा है फिलहाल, ये बढ़िया है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद मैं आ गया यहाँ पे फेस पे। फेस का ये डिज़ाइन मेरे को बढ़िया लगता है, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और इसके साथ बढ़ते हैं अब आइज़ के ऊपर। तो यहाँ से चलते हैं अब आइज़, और आइज़ का ये कैटेगरी तो बढ़िया नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसको चेंज करके देखता हूँ। अबे ये तो बंद कर दिया इन्होंने, तो ये हाँ ये वाली बढ़िया लगा आपको। तो यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं अब आगे माउथ की ओर। तो यहाँ से माउथ पे मैं आ गया, तो फिलहाल अपना कैरेक्टर का यही माउथ बढ़िया लगा मेरे को, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, दाढ़ी मूछें, तो इसको तो हमें यार नहीं करना, अपना बंदा सिंपल ही बढ़िया। तो यहाँ पे आइस कलर पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं आइस का कैसा कलर हमें बढ़िया लग रहा है, तो ये कलर मेरे ख्याल से ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं मास्क के ऊपर, और ये मास्क तो यार मुझे मास्क फटाफट हम आ गए यहाँ पे हेयर स्टाइल के ऊपर। यहाँ से हम इसका हेयर स्टाइल को चेंज करने वाले हैं। हाँ ये हेयर स्टाइल मेरे ख्याल से बढ़िया है यार, अपने देखो जंगल में सर्वाइव करने के लिए ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो फिलहाल हम इसको करते हैं आगे, और यहाँ से अब इसको कपड़े पहनाना है, तो हमें ये कपड़ा बिल्कुल पसंद आया, तो अब यहाँ से इसको भी कर लेते हैं कम्प्लीट, क्योंकि अपना नंगा पुंगा वाला कैरेक्टर बढ़िया नहीं। तो अब यहाँ पे हमें प्लेयर का नाम चूज करना है, तो नाम यहाँ पे मैं रैंचो रखने वाला हूँ, और रैंचो को मैं भी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो रैंचो कई दिनों से मेरे वीडियो में नहीं आ रहा, तो वो कहीं गया हुआ है, जब आएगा तो हम बता देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इसका नाम रैंचो रखते हैं, तो रैंचो तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपना चैनल का नाम देके इट्स रैंचो। यार ये भी यहाँ पे नहीं हुआ अप्रूव, तो अब मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नाम रख के वहाँ से एंटर कर दिया हूँ। यहाँ पे अपना गेम अब स्टार्ट हो चुका है, सो इसका ट्रेलर देख लो, उसके बाद हम देखते हैं इसमें करना क्या है। The blessing of light will always be guiding you. Go, warrior. तो फिलहाल यार इसमें अब देखो बेसिकली हमें सर्वाइव करना है, तो इसमें कुछ देखने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं फिलहाल सबको स्किप करता हूँ और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरी नींद खुल रही है, शायद मैं सो रहा हूँ, और अब देखते हैं आगे होता क्या है। ये क्या है भाई, चिड़िया आई मेरे पास, तो हु आर यू, यानी मुझे मैसेज करना है। तो मुझे यार देखो मुझे अंग्रेजी उतनी अच्छी से नहीं आती, तो मुझे पता नहीं ये क्या बोल रहा है, तो मैं फटाफट यार यहाँ से स्किप करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो कोई सा भी बटन मैं दबा रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ कि ये हमारे साथ ही रहेंगे, और ये हमारे दोस्त बन के यानी हमारे साथ साथ चलने वाले हैं। जैसा जैसा हम लोग सर्वाइव करेंगे वो मेरे साथ ही रहेगा, जो कैरेक्टर से हम लड़ने वाले ये भी हमारी कुछ ना कुछ तो मदद करने वाली है, शायद इसी लिए मेरे साथ ये रहेगी। तो फिलहाल इसको करते हैं कंप्लीट और यहाँ से करते हैं अब इसको स्किप। तो अब हमारा कोना में यह स्किप का बटन, तो फिलहाल हम इसको दबाने वाले हैं और यहाँ से अब इसको करते हैं कन्फर्म, और यहाँ से अब अपना गेम स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमें कुछ ट्यूटोरियल बता रहा है कि हमें ऐसे ऐसे बढ़ना है। देखो मैं उतना भी नूब नहीं हूँ गेम में, तो फटाफट मैं इसके ट्यूटोरियल को करता हूँ स्किप, और अब ये हमें आगे बढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं फटाफट यार भाग जाता हूँ आगे। देखो मुझे और आगे जाना पड़ेगा, जो कि 32 मीटर का दूरी तय करना है ब्रो, तो मैं फटाफट यार यहाँ से चलते हैं अब आगे, देखते हैं आगे कैसा वर्ल्ड होने वाला है। और यार अगर तुम लोग भी एक्साइटेड हो वर्ल्ड को देखने के लिए, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब्रो। तो फिलहाल ये संदूक को मैं खोल के देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी, तो सो मैंने कर लिया, और यहाँ से मेरे पीछे में शायद संदूक दिख रहा था, यहाँ पे शायद एक संदूक जैसा कुछ दिख रहा था, तो यहाँ पे कुछ नहीं यार, तो मैं फटाफट यहाँ से निकल जाता हूँ, मुझे सामने की ओर जाना है। तो यहाँ से अब चलते हैं आगे, और यार यहाँ पे देख रहे हो कुछ जादुई जैसा चीज़ हो रहा है, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं फर्स्ट बार इस गेम को खेल रहा हूँ, और देखते हैं इसको खेलने में कैसा लगता है। तो मैं फटाफट यहाँ से अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कुछ स्टोन दिख रहा है, सो हमें इस स्टोन को मेरे ख्याल से कलेक्ट करना पड़ेगा, तो फटाफट मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम रॉक है, मैं स्टोन बोला, तो यहाँ से अब इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं थोड़ी बहुत,
इसको कलेक्ट करने के लिए बोला और रॉक को भी कलेक्ट करना है। तो अब यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, यहाँ पे वुड कलेक्ट किया और यहाँ से कुछ ऑप्शन दिखा रहा है। अच्छा तो अब मुझे यहाँ पे स्टोन एक्स बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी दिख रही ना उसके वजह से हम आगे नहीं जा सकते। मैं स्टोन एक्स बना लिया और यहाँ से अब इसको लकड़ी को तोड़ते हैं यार, और इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से आगे। तो इधर है अपना लकड़ी और मैंने इसको तोड़ दिया है, तो अपना लेवल भी कम्प्लीट हो चुका है, देख रहे हो। और यहाँ से अब नया वर्ल्ड का सीन देख रहे हो भाई साहब, क्या मस्त वर्ल्ड है यार, क्या नज़ारा दिख रहा है यार। यहाँ पे देख रहे हो कितना मस्त वर्ल्ड दिख रहा है यार, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और ये क्या उड़ा भाई मेरे सर के ऊपर से, पंछी यार काफी खतरनाक। और एक मेरा प्यारा सा दोस्त जो कि मेरे साथ में, और भाई साहब ये वर्ल्ड का नजारा तो काफी ज्यादा मस्त लगा मेरे को। और यहाँ पे यार गेम खेलने में ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इस नए जगह को एक्सप्लोर करने में जो मजा है ना वो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फटाफट मैं इसको कन्फर्म कर लेता। और यहाँ से देख सकते हो मेरे हाथ में एक लकड़ी का, यानी सेफ्टी के लिए वो लकड़ी है, और मेरे पास एक स्टोन एक्स है जिससे मैं किसी को किल कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास यही है, और भी कई चीजें क्राफ्ट करेंगे वो तो बाद में देखेंगे। यहाँ तो मैं पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ अपने एरिया को। यहाँ से मुझे जंप का बटन दिख रहा है एक्स को मारने का। अबे यार यहाँ से क्या है भाई? अरे भाई इतना ज्यादा नीचे में वो तालाब दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और मस्त लग रहा है। तो फटाफट मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, और ये मुझे शायद उधर जाना है, वहां पे देख रहे हो लोकेशन दिया हुआ है, मुझे पहले वहां पे जाना है। तो उसके लिए मैं इधर से जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा गड्ढा है, मैं गिरूंगा तो मेरा हड्डी गुड्डे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यार ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, फोन में ऐसा गेम प्ले मैंने कभी नहीं किया था यार। इसका लोकेशन देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है मेरे को, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और यहाँ से मैं जंप कर सकता हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ ये मशरूम है दिख रहा है शायद मेरे ख्याल से, तो मैं फटाफट इसको कलेक्ट कर लिया, शायद मेरे खाने में काम आएगा ये, तो मैं इसको कलेक्ट कर लिया। और यहाँ से मुझे सिंबल दिखा रहा है आगे जाने का, तो फटाफट चलते हैं आगे और देख लेते हैं वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है। और ये क्या? और ये मेरे ख्याल से हिरन का बेबी है छोटा सा, जो कि एक नदी में। और ये क्या भाई साहब, ये तो मर चुका यार, यानी इस पानी में कुछ ना कुछ तो है जिसके वजह से हम पानी के अंदर नहीं जा सकते, इसको तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ, इसको देख लेता हूँ। और ये क्या है भाई, अबे यार ये तो मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है यार, पहले मैं इसको तो आजा भैंस की टांग तेरी, तो मैं हड्डी गुड्डी सब बार कर दूंगा यार। मेरे पास स्टोन एक्स है इसीलिए तो बनाया यार तुम लोगों से पंगे लेने के लिए। तो फटाफट मैं इसको कंप्लीट किया, और यहाँ से अब जाते हैं आगे, देखते हैं नदी में घुसने के बाद क्या होता है भाई। अबे यार ये तो सच में डैमेज कर रहा है यार, अरे यार यहाँ पे सच में यार इस नदी में कुछ ना कुछ तो है। और अब इस नदी को पार करने के लिए मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ सकता है, तो फटाफट मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या करना है। तो यार इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या करूँ अभी, तो यहाँ पे मुझे सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे आने का, और ये कुछ नहीं यार, यहाँ पे कुछ वुड है मेरे पास जो कि मैं इसको कलेक्ट कर लिया। और यहाँ से इस नदी को मुझे पार करना है सबसे पहले, तो इसके लिए मुझे इस पेड़ को शायद काटना पड़ सकता है क्योंकि यहीं पे सिंबल दिखा रहा है। तो फटाफट मैं इसके पास चलता हूँ, और यहाँ से इसको कटिंग करने का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फटाफट मैं इस पेड़ को यार, हाँ ये पेड़ यार कट रहा है, तो इसको काटते। और यहाँ से इस पेड़ देखो, अच्छा ये हमारा एक पुल बन चुका है जिसकी मदद से हम उस पार जा सकते हैं नदी के, और मैं पानी में भी नहीं गिरूंगा, ये तो काफ़ी मस्त आइडिया लगा। तो फटाफट मैं नदी के उस पार चले जाता हूँ, देखते हैं अब उस पार में क्या है, और पता नहीं अब आगे सरवाइव करने के लिए कैसा कैसा मुसीबत आने वाला है। तो फिलहाल मैं इस नदी को तो पार कर चुका, और यहाँ पे अब आगे निकल, अरे भाई साहब ये क्या हमला कर रहा है मेरे ऊपर यार, मैं तो इसकी तो भैंस की टंग दूँ, ये तू भी बचा ये ले भाई, अबे तू कहाँ जा रहा है भाई, तू भी मार खा ले और तू मेरे सामने मत आ। देखो मेरे पास स्टोन एक्स है, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और मैं फिलहाल अब यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे देखते हैं आने के बाद क्या होता है हमारे साथ। और यहाँ पे कुछ जादू जैसा कुछ चीज़ें हो रहा है जिसकी मदद से हम यहाँ पे आए। अबे यार ये क्या हो रहा है, तो ये फिलहाल ऊपर जा रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक स्टोन जैसा ऊपर चले गया इसकी मदद से। अच्छा ये हमें टेलीपोर्ट करने वाला है शायद, मैं यहाँ से कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे ख्याल से इस मशीन का यही मतलब है। तो इस गेम में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे समझना पड़ सकता है अभी, इसीलिए एक ट्यूटोरियल दिखा रहा है। तो ये एक टेलीपोर्ट वाला मशीन है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, और देखते हैं अब यहाँ पे हमें कहाँ पे ये टेलीपोर्ट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अरे यार ये तो वही जगह है, नहीं जगह चेंज हो चुका है, मैं यहाँ से टेलीपोर्ट होके आया हूँ। तो मैं इसको फिलहाल कट करता हूँ, अब इस जगह को हमें एक्सप्लोर करना है बढ़िया से, और देखते हैं यहाँ पे हमें कैसा मॉन्स्टर मिलने वाला है।
तो मैं यहाँ पे, अच्छा ये नदी में तो कुछ ऐसा वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे यार मस्ती से नदी में पानी पी रहे हैं, तो मैं यहाँ से अब नदी के उस पार चलता हूँ और देखते हैं अब हमें उस पार में क्या चीज़ें मिलता है जिससे हमारा पंगा होने वाला है। तो मैं यहाँ से अब इसको, यार यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं वर्ल्ड, तो यहाँ पे तो कुछ डायमंड्स हमें मिले, तो इसका तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगा ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिलहाल मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लिए और अब बढ़ते हैं आगे। तो वहाँ पे हिरन का बेबीज जो है वह पानी पी रहा नदी में, इसका मतलब इस बार नदी में कुछ नहीं है तो मैं आसानी से आगे जा सकता हूँ। और वहाँ पे लोकेशन भी दिखा दिया कि मुझे वहाँ पे जाना है। तो अब बारी हमें नदी के उस पार जाने की, तो चलो यार चलते हैं नदी के उस पार और अब देखते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल न्यू है और इस नए एरिया को एक्सप्लोर करने में जो मज़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और देख सकते हो अपना कैरेक्टर धीरे धीरे यार तैरते तैरते उस पार आ गए और यहाँ पे हम इसको मार सकते हैं क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं यार क्या जाता है। अबे हट जा बे मेरे सामने से, अबे यार ये तो एक ही बार में समाप्त हो चुका है, देखो ये गलत काम है, मैं इसे करना नहीं चाहता था, मैं बस ट्राई किया और एक ही बार में वो समाप्त हो चुकी। और यहाँ पे ये क्या है भाई, यहाँ पे मशरूम है और यहाँ पे लेग पीस यानी चिकन का लेग पीस, मटन का लेग पीस दिख रहा है मुझे, तो फटाफट मैं इसको यहाँ पे टांगता हूँ और मुझे कुछ खाना बनाना शायद खाने के लिए, तो मैं इसको ट्राई किया और यहाँ पे नीचे आग जल रही है, ऊपर मेरा जो भी है मटन वो पक रहा है। अब इसे फिलहाल पकने देते और अब आगे देख लेते क्या चीज़ है। यहाँ पे कुछ मशरूम दिख रहा है जो मुझे कलेक्ट करना है, और भाई साहब मशरूम को ना मैंने कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे दो मशरूम और है तो इसको भी कलेक्ट कर लेते। अब बारी अपना मटन देखो पक चुका है, इसको कलेक्ट करना है, तो कैसे कलेक्ट करें भाई, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं यार। देखो मुझे खाना है मटन, कैसे खाऊं मैं, अरे यार देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कलेक्ट कैसे कर सकता हूँ। देखो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये कलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आया, तो मैं फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ, अपना पका पकाया मटन रह गया यार और मैं खा नहीं सका, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। और ये देख रहे हो एक्सप्लोर करने में जो मज़ा है ना यार नए एरिया को, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पे कुछ ट्रेन के पटरी जैसा है जो इसको रहने देते, अब हमें आगे बढ़ना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है मेरे ख्याल से, अब देख लेते आगे में क्या चीज़ें हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे आया और यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया, ये क्या है भाई। और यहाँ पे एक छोटा सा गांव दिखा रहा है जिसमें यार चार या पांच लोग हैं, चार लोग हैं और ये हमें कुछ ना कुछ तो समझाना चाह रहा है और ये बहुत पहले से शायद रहता होगा यहाँ पे, मुझे क्या समझाना चाह रहा है अब ये तो मुझे भी समझना पड़ेगा, तो चलो यार समझ लेते हैं इस बार, देखते हैं क्या बोलता है। तो मुझे क्लिक टू कंटिन्यू करना पड़ेगा और यहाँ पे यार सब लोग अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं जो कि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या क्या बोल रहा है। तो मैं कुछ यार वो तो हम बाद में देख लेंगे मुझे क्या करना है, तो मैं फटाफट इस सब को स्किप करता हूँ क्योंकि मेरी समझ से तो इंग्लिश बाहर है यार, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है, तो यार ये तो बोलते ही जा रहा है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये बोलते ही जा रहा है, तो मैं फटाफट स्किप करते ही जा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमारी बोलती जो है बंद हो चुकी है, यानी सब मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। तो फिलहाल मुझे लोकेशन दिखा रहा है मुझे आगे जाना है और यहाँ से इसको करते हैं कट, यार ये सामने में आ चुका है और अब मुझे यहाँ पे इसके पास जाना है और ये बंदा एक खड़ा है जो कि मेरी कुछ मदद करने वाला है यहाँ से। तो यहाँ पे अब देखते हैं कुछ चीज़ें क्राफ्ट करनी है, तो क्राफ्ट करने के लिए मैं यहाँ से वेस्ट क्राफ्ट कर सकता हूँ, एक लेदर जैसा वेस्ट है यार। अच्छा यहाँ पे देखो यार मेरा एक तीर कमान जैसा बन चुका है जिसकी मदद से हम अब किसी का भी शिकार कर सकते हैं, और ये यार मस्त हुआ मेरे साथ। देखो मेरे पास पहले एक्स ही था जिससे मैं किसी को मार सकता हूँ, अब तो मेरे पास तीर और धनुष भी आ चुका है यार, तो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और यार ये दूसरी बार भी क्राफ्ट हो गया क्या, तो मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो है तीर धनुष वो क्राफ्ट हो चुका है और अब देखते हैं हमें कैसा मज़ा आता है यार तीर धनुष चलाने में। तो फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और अब देखते हैं यार मुझे आगे जाना है, तो आगे तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा, तो पहले मैं तीर को कलेक्ट करता हूँ यहाँ से और अब देखते हैं मुझे सामने किसी को पहले मार के देखना पड़ेगा ये कैसे काम करता है। देखो मेरा लोकेशन उधर जाने के लिए बोल रहा है लेकिन मुझे मारने का इतना ज़्यादा शौक है ना, मैं पहले इधर जाके किसी पे हमला करने वाला हूँ और मैं देखते हैं यहाँ पे कोई मॉन्स्टर। अच्छा यहाँ पे है एक है जिसकी, अब तो मैं इसका बैंड बजाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से इसका इस्तेमाल पहले इसी के ऊपर करने वाला। और यार क्या डैमेज दे रहा है ब्रो, मुझे इसको अपग्रेड की, अबे
भैंस की टांग तेरी तो मैं आता पता लपाता कर दूंगा ऐसे यार, तू मेरे सामने क्यों आ रहा है? अब ये ले, देखो मैं दोनों को निपटा चुका हूँ यहाँ पे और बहुत इजीली। और ये तो यार यहाँ पे इसका कुछ मीट वगैरह मुझे कुछ खाने के लिए मिलता है, तो मैं इसको कलेक्ट किया। और यार देख सकते हो मेरे ख्याल से यार काफ़ी ज़्यादा मस्त है ये गेम। और अब ये भी देख सकते हो मेरा फ़ोन थोड़ा सा लैग होने लगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन चुका है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ कर रहा हूँ, सो मेरा फ़ोन छोटा मोटा है। तो यार इस गेम को करते हैं यहीं पर कम्प्लीट, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।